every artist has got their own dedication, hard work, everything behind, and you have done a very good thing in motivating and making so many, you know, fans also, students, student base also. Yeah, that's a really crazy thing. और आप लोगों को शायद पता रहेगा, काफी लोगों, आप लोगों को शायद किसी लोगों को पता नहीं, उनको भी मैं बता दूं कि जो भी मतलब बहुत खतरनाक डांस इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी मतलब ऐसे बहुत फाड़ू है अपने इंडिया के, उन सभी के साथ में भाई ने काम किया हुआ है ऑलरेडी. और आई थिंक काफी मतलब बॉलीवुड सेलेब्स के साथ में भी जो है उनके साथ में भी आपने किया है, वाइब भी किया है, काम भी किया है. एक्सपीरियंस आपका मतलब कैसे रहा? वो हर एक आर्टिस्ट के रहता है, मतलब एक लाइफ चेंजिंग सीन रहता है वो अपने आप में. स्पेशली स्टार्स लोग के साथ काम करके आई रियली फेल्ट गुड. और वो जोन थोड़ा मतलब अलग है. सो मज़ा है, वो चीज़ में भी मज़ा है, ये चीज़ में भी मज़ा है. सो ऑब्वियसली वही हो, माहौल के हिसाब से जो काम बनता है बनाते जाओ, करते जाओ. ऑब्वियसली वो चीज़ आप जितना अच्छा इनपुट डालोगे वो चीज़ में, सो उतना प्रोडक्ट अच्छा बाहर आएगा. यस ऑब्वियसली, सो इट्स गुड. स्टार्स गुड, स्टार्स गुड, माहौल गुड. वी आल्सो स्टार्स. We are working our way towards being working hard for our working hard for next step. Next step. How was your past journey, and what would you like to share about that? From day one till here, totally amazing, surprising. चीजें भी बहुत सारी हुई है, but yeah, ये चीज को मेरे को start से जाना अच्छा लगेगा. So yeah, I was a b boy. I used to do breaking एक garden में जो नाव सुपर वेस्ट में है. आई यूज़ टू बी बॉय, अभी नहीं हूँ तो जब था मैं वहाँ पे बी बॉइंग करते थे, है सार्थक चंदन सनी इन लोगों के साथ में प्रैक्टिस भी किया करते थे. एंड देन आई सडनली मेट वरन सर एंड सुरेश सर, वहाँ से वही ग्रुप चालू हुआ. देन सडनली अ बिग स्टेज, द स्टेज कॉल बुगी होगी. वो टाइम पे तो बहुत मतलब काफी बड़ा स्टेज था. सो तभी पहला को मिला कि डायरेक्टली केम टू अ ग्रुप, तुमको कंपीट करना है बुगी बुगी में. आई वाज लाइक वाओ, अभी मैं कंपीट भी करूंगा. मतलब जो जर्नी चेंज हुआ मेरा वहां से, जब ग्रुप ज्वाइन किया एंड सडनली अ बिग स्टेज, वो स्टेज ने तो पूरा धमाका मचा डाला. एंड देन वी केम अप विद अ स्ट्रांग नेम. फिक्टिशियस था मतलब वो टाइम से जो चालू हुआ, ऑब्वियसली फिक्टिशियस. वहाँ से जब चालू हुआ जर्नी, एंड देन वी गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू स्टफ, दिस शूट शो स्टफ, सब कुछ अवार्ड शोज, सब कुछ किया, सब कुछ किया. एंड देन डायरेक्टली जंप किया हम लोग ने IGT. एंड IGT में भी बहुत अच्छा खासा हाइप हुआ हम लोग. एंड देन वी गॉट अ more shows, more shoots, stuff, इधर जाओ उधर travel करो ये सब वो सब. and then suddenly we planned up एक अच्छा competition करना चाहिए, अच्छा और extreme level और एक जाना चाहिए. so we हम लोगों ने compete किया HHI में, world hip hop championship. हम लोगों ने वहाँ जाके compete किया in 2012. and वो competition की vibe, फर्स्ट डे ऑफ वेगस वी रीच देयर एंड जा रहे रिहर्सल करने, जा रहे रिहर्सल करने जा रहे. वहां से सिर्फ आपको सिर्फ डांसर्स दिख रहे, एवरीवन इज लाइक हर एक कंट्री से, हर एक कंट्री, एवरी कंट्री, ईच कंट्री वाज देयर, ईच कंट्री. एंड द वाइब वाज टोटली क्रेजी, यू कैन से लाइक एक जन्नत में जाके पहुंच गए तुम. डांस का नेक्स्ट लेवल, दैट फीलिंग स्टिल अभी तक मेरे को याद है. I still remember that feeling, क्या चीज़ है वो, क्या, because वो चीज़ अब यहाँ पे बैठ के सिर्फ याद ही कर सकते हैं. राइट, वहाँ पे आपने फील करके आया वो चीज़, फील करके आया हूँ मैं. हिप हॉप इंटरनेशनल एंड फर्स्ट टाइम इंडिया सेवेंथ आया होगा. और वो टाइम से लेके अभी तक वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट है अभी, इम्पैक्ट है अभी, राइट, अभी तक है, अभी तक है वो चीज़. सो या we came back, we did stuff airport Achha. celebration next level when you coming back, like bahut maza aa gaya tha, full felt power. good ke bhai kuch india represent, yep, kuch karke aaye next. fir wahan se wahi movie pe jump to hue hum log. movie called ABCD, anybody can dance, anybody is a revolution movie for every dancer I think. so wahan pe bhi kaam karne ka mauka mila. we did a
ग्रेट वर्क दैर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मूवी का. हर एक बंदे का इंडिविजुअली नाम खुलने क्रिएट लगा, होने गया. यस क्रिएट हुआ, पीपल इन द कम्युनिटी उनको पता चला कि मतलब क्यों. और तब एक मतलब कि एक तो वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन आप लेके आए थे, ऊपर से फिर इंडिया में भी आपने काम कर लिया उसमें, तो वो आपके लिए बहुत क्रेजी था. बहुत बड़ी बड़ी क्रेजी बड़ी क्रेजी बड़ी क्रेजी चीज थी वो मेरे साथ. उसके बाद में देन बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई. देन एबीसीडी जर्नी खत्म होने के बाद ऐसे चीजें हुई कि क्रू गॉट सेपरेट. देन आई जॉइंड किंग्स यूनाइटेड. ठीक है, सो किंग्स यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद फिर वी प्लान वापस ऐसे जाना चाहिए. कैलिफोर्निया गए, कम्पीट किया, कम्पीट करते करते राउंड्स अप होते गए, ऐसे ऐसे वाइब अच्छे आते गई. वही सेम फीलिंग जो 2012 की थी वो अपग्रेड होके 2015 में आई. एंड वो फीलिंग्स के बारे में कहना चाहूँगा कि दैट टाइम जो मैं चीज़ें सीखी इतने सब कुछ जाके वो वापस से काम आई वहाँ पे. एंड वो सब उधर कंप्लीट करते के टाइम मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी मिली. और वहाँ जाके एक्चुअली मैं अभी जो हूँ, मैं वहाँ जाके जो अपग्रेड हुआ हूँ, लेवल अप जो तो मैंने ऑब्जर्व किया है, 2-3 क्लास भी ली मैंने वहाँ पे मास्टर्स की. फिर या आई गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. और बाद में फाइनल्स में कम्पीट करने की जो हार्डवर्क किया है, वो हार्डवर्क वहाँ पे हमको एक फाइनल्स में मिल रही है कि अब भी फाइनल्स में आ गए और सेकंड टाइम है, सेकंड अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की. वी डिड अ परफॉर्मेंस, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ. एंड रिजल्ट 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 वॉज अनएक्सपेक्टेड था कि ये पोजिशन आ सकती है. और जहाँ से वो चालू हुआ वो हो गया, हम लोग सब लोग पागल हो गए. देन वी केम बैक टू इंडिया, फिर वही चीज़ वापस से रिपीट होते गई, अपग्रेड होते गई, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, सिखाने मिली, अपॉर्चुनिटी आती गई. एंड देन वहाँ से मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. आई डिड अ स्ट्रीट डांसर किया, कोरियोग्राफ भी किया, असिस्ट भी किया राहुल भाई को, राहुल शेट्टी को. और या मूवी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ चीज़ें भी सीखने मिली कैमरा पे, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब कुछ सीखने मिला. एंड या जैसे बाद में एक आउट टूर है, वी वेंट टू यूके, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज वहाँ पे हुई. देन वही जो मूवी के बाद होता है, इधर जाओ उधर ये करो उधर, तो इंडिया में तो फिर आने का, फिर वो सारी चीजें हुई. देन दैट कोविड सब स्टार्टेड, कोविड फिर थोड़ा ब्रेक लग गया. एवरीवन बट या लेवल अप फाइटिंग करते रहते हैं हमेशा, स्टिल फाइटिंग फॉर समथिंग न्यू. हे दैट्स द स्पिरिट. और हर एक आर्टिस्ट के अंदर ये जज्बा होना बहुत जरूरी है यार.